कि आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी को सुने। मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और यहाँ की जनता का मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले सियापति रामचंद्र की। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, आपके चहेते उम्मीदवार, लंबे समय से बिहार की राजनीति में योगदान दे रहे एनडीए के प्रत्याशी श्री राधा मोहन सिंह जी के नामांकन समारोह में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रकाश अस्थाना जी, इस मंच का संचालन कर रहे लाल बाबू प्रसाद जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हम लोगों के गार्जियन और आपके चहेते उम्मीदवार आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय संतोष सुमन जी, छोड़ दीजिए बैठने दीजिए, हो गया ठीक है छोड़ दीजिए। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी, इस मंच पर उपस्थित जनक राम जी, कृष्णनंदन पासवान जी, बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हमारे भाई ऋतुराज सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित राजू तिवारी जी जो माननीय पूर्व विधायक और लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय विधायक प्रमोद जी जो पूर्व मंत्री भी हैं, सुनील मणि त्रिपाठी जी, मणि तिवारी जी, श्याम बाबू यादव जी, महेश्वर राव, सतीश कुमार जी पूर्व विधान परिषद के सदस्य, पवन जायसवाल जी, राम प्रवेश राय जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, ये अपने आप में ऐतिहासिक पल है। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक कार्यकर्ता के तौर पर, संगठन मंत्री के तौर पर लंबे समय से, लगभग 50 वर्षों से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया। और हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि इनके नेतृत्व में देश में किसानों की समस्या के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में किसानों की चिंता करने का मौका आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को देने का काम किया था सर। और आज देखते होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और एक ज्ञान शब्द का उपयोग किया जो ऋतुराज सिन्हा जी बोल रहे थे, जी से गरीब का कल्याण, गरीबों की चिंता करना, गरीबों का उत्थान करना। याद होगा 2014 का चुनाव था साथियों, हम लोग चिंता करते थे गांव में बिजली कब आएगी। मोदी जी ने डेट फिक्स किया 31 मई 2018, गांव गांव बिजली पहुंचाई। और पहुंचा कि नहीं साथी, 2019 का चुनाव आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे।
घर घर तक बिजली पहुंचाया गया। और अब मोदी जी ने तय किया है कि अब गरीबों के घर का बिजली जीरो कर देना है। बिजली बिल उत्पन्न ही नहीं हो इसलिए गरीबों का बिजली बिल मुक्त कर देना है। और ये सोलर युक्त करना है पूरे देश में, करोड़ों लोगों के परिवार को जोड़ना है। लोग पूछते हैं कि हम लोग तो सिर्फ राम मंदिर 370 इस पर वोट मांगते हैं, लेकिन साथियों हम बताना चाहते हैं जब राधा मोहन सिंह जी मंत्री थे भारत सरकार में तब इन्होंने किसानों की समस्या को उठाया और किसानों को 6000 रुपया का जो स्कीम चला, 2000 रुपया कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए, पानी के लिए, या और किसानों की समस्या उसकी चिंता करने के लिए। आप सोचिए, कोई मंत्री सोच नहीं सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राधा मोहन सिंह जी के ही माध्यम से बिहार में लगभग 1 करोड़ लोगों के खाते में सीधा 6000 रुपया देने का काम शुरुआत किया। और साथियों मैं यही आग्रह करने आया हूं, लोग कहते हैं हम लोग सिर्फ काम पर, विकास 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 पर बात करने आए। लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी ने किया, घर गरीबों को पक्का मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया। आप सोचिए 2014 तक इस देश में 3,57,00,000 लोगों को पक्का मकान था, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो 4,20,00,000 लोगों को 10 साल में ही पक्का मकान दे दिया। और आज आपको आश्वस्त करता हूं, मोदी जी की गारंटी है और बिहार सरकार भी आपको सहयोग करेगा, क्योंकि हम 60-40 के माध्यम से पक्के मकान देते हैं। 2025 तक जितने यहां कार्यकर्ता उपस्थित हैं, एक एक गांव में चिन्हित कर लीजिए, जिस भी गरीब के पास पक्का मकान नहीं है 2025 के पहले उनको उपलब्ध कराने का काम किया जाए, एकदम चिन्हित करना है। साथियों करोड़ों लोगों को अनाज देने का काम मोदी सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार कहती थी गरीबी हटाएंगे, गरीबी तो नहीं हटते थे, गरीबों को ही हटाने का काम करते, लेकिन आज मोदी जी एक एक गरीब को खाने तक की चिंता करते हैं। और मोदी जी की गारंटी है साथियों, 5 किलो अनाज भी देंगे और 5 लाख तक का जो बीमार पड़ेंगे तो इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार से। और इसलिए हमने नीतीश कुमार जी को इसमें जोड़ा साथियों, 1,21,000 परिवार, लगभग 6.5 करोड़ लोगों को सीधे मोदी जी देने का काम करते हैं। और लगभग 58 लाख मतलब 2 करोड़ से अधिक लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बिहार में खाद्यान्न के साथ साथ अब 5 लाख का इलाज भी इन दोनों की डबल इंजन की सरकार आपको दिखाएगी। और साथियों हमें गर्व है, 15 दिन हमें स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका आपके आशीर्वाद से मिला। 2 मार्च को हमने इस अभियान की शुरुआत किया आयुष्मान भारत, और 17 तारीख तक मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा। लगभग 2 करोड़ लोगों को इससे हमने जोड़ने का काम किया साथियों, 2 करोड़ लोगों। और आज भी मैं गारंटी देता हूं, गांव में चलिए, खुल के बोलिए, जिसको भी 5 किलो का अनाज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिल रहा है उसको कोई चिंता नहीं करना है, उसको सिर्फ राशन कार्ड लेकर सीएससी सेंटर, कैफे सेंटर या जहां कंप्यूटर का जानकार है वहां चले जाइए और उसके कार्ड को डाउनलोड करा दीजिए, सबका मुफ्त इलाज कराने की व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसलिए साथियों कई लोग आएंगे आपके बीच में भ्रम फैलाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहेंगे लालू प्रसाद जी को 15 साल बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, 1990 से लेकर 2005 तक एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को। याद कीजिए 2001 का चुनाव, 2002 का चुनाव,
ना मुखिया बन पाए।